देखो बेटा, ऑनलाइन सी कॉल करवा रहा हूं बेटा। 18 है ना? 18 लिखी सी कॉल के 19 19 सी गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेलो देखो असाइनमेंट देखो, सो ये जिहड़ा पुत्र कंसेप्ट है इहदे जिहड़े पहले 6 न्यूमेरिकल्स है, ये तां आपां जिहड़ा टॉपिक कोलिजन कर रहे हैं ना उहदे नाल रिलेटेड है। तो न्यूमेरिकल के नाल नाल कंसेप्ट नूं भी नोट करना और फार्मूला केड़ा यूज हो रहा किस तरह हो रहा सारा नोट करना। देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इफ ओ मैं और देख लियो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, न्यूमेरिकल भी है पर असाइनमेंट ही है, 10-12 न्यूमेरिकल है, असाइनमेंट ही होनी होने, थ्योरी वाला काम तो सौखा ही है अपना, कंसेप्ट ओदे नाल ही करने सारे, असाइनमेंट प्लस कंसेप्ट। देखो बस फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है, इफ ए बॉडी फॉल्स नॉर्मली ऑन ए सरफेस फ्रॉम हाइट एच, व्हाट विल बी द हाइट रीगेन्ड आफ्टर कोलिजन इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई। स्टेटमेंट नू पढ़ो पहला, फिर देखो कि समझ आई की नहीं आई, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हाँ जी बेटा, आज पुत्र अपलोड की है ना, देखो ना ग्रुप नहीं की, भेजी अज भेज दो, एक मिनट बाद भेज रहे हैं, मेरा मिस हो गया, फोटो खिंच के ना पा दो। आगे बेटा हम देखो, धर्म विश्व स्टेटमेंट पढ़ो, इफ ए बॉडी फॉल्स नॉर्मली ऑन ए फ्रॉम हाइट, व्हाट विल बी द एदा की मतलब है, एक बॉडी है वो कोलाइड किहदे नाल कर रही है, हाँ सरफेस दे नाल है ना, सरफेस केड़ा अर्थ दा ही होएगा। तो सब तो पहला
की ड्रॉ करूंगे सरफेस, तो ए हो गया सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जो सरफेस ऑफ अर्थ है बेटा, ये इस प्रॉब्लम दे विच कौन है, टारगेट है। टारगेट भी वेलोसिटी का सिंबल बिफोर कोलिजन की लेने अपन U2, तो ये U2 कितना होएगा, जीरो, पता लगा। देन जब बॉडी एदे नाल टकराएगी, जिदा एक बॉल ही है, अगर मैं एक बॉल नू पकड़ा, उन्हों एच हाइट तो ड्रॉप करा, बॉल जाएगी जमीन नाल टकरा के वापस रिबाउंड करेगी सर्टन हाइट तक, तो आफ्टर कोलिजन ये जगह टारगेट है, ये भी वेलोसिटी का सिंबल V2 हो जाएगा। कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो दसो, भी बॉल दे टकरान तो पहला अर्थ की है, ते टकरान तो बाद भी जीरो है, नजर नहीं आ रहा। अच्छा हुन तो U2 V2 पता लग गया, हुन बॉल कौन है, इंसिडेंट पार्टिकल। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला की हुंदा, देखो ना पुत्र, जब तक फार्मूला याद नहीं रखोगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होनी। है ना, पर V2 तो U2 कौन है, ये तो जीरो जीरो ही है ना। पर U1 V1 की है वेलोसिटी ऑफ, हम ध्यान रखो वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल बिफोर कोलिजन, कोलिजन तो पहला, तो एना मतलब इधर देखो पुत्र, तो आ है थोड़ी बॉडी, आ वाली जी बॉडी है, तो ये हम कोलिजन करने को तैयार है, और ये वेलोसिटी किधर नु होएगी, डाउनवर्ड, कितनी U1 है ना। ते उस तो बाद ए एदे नाल टकराई, फिर उस तो बाद की करू, हम रिबाउंड इदे करेगी, पर मैं इनू जान के इसे थोड़ा, तो आ की लिखांगे V1, यही है। हुन U1 V1 पता लग गया, पर अगली गल सुनो, ये जिहड़ी बॉडी है आई कित्थों आ, किन्नी हाइट तो, हाइट तो है ना, और एच हाइट तो इहदी इनिशियल वेलोसिटी की सी, तो क्या तुसी देखो U1 दी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एच लिख सकदे आ, किन्नी अगर कोई बॉडी रेस्ट तो ड्रॉप की जाए जी लेनी वो तो एक्सेलरेशन टू, तो फिर वी कितना हो जू अंडर रूट आई हो जू, हम आ जी बॉडी है इन्हें वापस कुछ हाइट तक जाएगी, किन्नी हाइट एच वन, और यदि फाइनल वेलोसिटी की हो जो, तो यदि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है
वी वन, तो वी वन और एच वन का रिलेशन निकाल सकते हैं। की है हाँ ही है, माइनस नहीं, माइनस का डायरेक्शन है जोड़ेंगे आप, ये मैग्नीट्यूड है। फार्मूले तो नहीं आएगा, देखो ना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो पुट करके देखो पुत्र, कितना आया फार्मूले तो हाँ कितनी, हाँ तो यू वन वी वन पता लग गया। अच्छा हुण ध्यान दो, जिहड़ी यू वन है उहदी डायरेक्शन किस तरफ है, ते वी वन दी, हुण तुसीं डिसाइड कर लो कि अगर अपवर्ड पॉजिटिव लैने आ तो यू वन, तो इत्थे की लिखांगे इज इक्वल टू माइनस वी वन दी जगह की लिखांगे ते U1 दी जगह यही आएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड E स्क्वेयर की आ गया, हम्म यही बन गया। तो एक ही है आफ्टर, ध्यान रही होने बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो अगर कोई भी बॉडी फ्रॉम हाइट एच ड्रॉप हुई है तो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक रिबाउंड करेगी, ई कौन है, रेस्टिट्यूशन है ना। तो एक्चुअली इधर देखो हूँ आप जनरलाइज करन लगे हैं, इन अंडरलाइन कर लेना भूलना नहीं, टू इंटू वन लिखना, टू पॉइंट वन नहीं है ये, टू इंटू वन है, टू सी ना गला तो इंटू वन लिख दी है। अच्छा हूँ गल सुनो, हूँ इतो एक रिजल्ट निकलना, अगर एक बॉडी एच हाइट तो ड्रॉप की जाए तो उसका जमीन नाल कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, तो आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड उसकी हाइट एच वन कितनी होएगी, एच ई स्क्वायर, तो जो कहे कि वो वापस गई फिर मैक्सिमम हाइट तो फिर थले आनी, तो सेकंड कोलिजन तो बाद उसकी दोबारा हाइट कितनी होगी, जिदा एक बॉल है इतों मैं एक बॉल नू ड्रॉप किया एक थप्पा पैन तो बाद वो वापस उपर आई, वो वाली हाइट है एच वन किन्नी, तो जे दो थप्पे तो बाद हाइट लगनी हो, हाँ हुण उहदे च पता की करोगे, उहदे च तुसीं इदां कर सकदे हो ना, वी तुसीं कहोगे एच टू एच वन ई स्क्वेयर, तो एच वन किन्ना वा एच ई स्क्वेयर, तो ई स्क्वेयर टू इंटू टू फोर, टू इंटू टू लिख सकते हैं ना, हाँ तो नंबर एच एन आ गया एच ई टू, हाँ फार्मूला तैयार हो गया, समझ आई है गल, मतलब अपने आप च न्यूमेरिकल भी है और कंसेप्ट भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रक्षित समझ आई है, विश्व
गर्व, हिमांशु तू पुत्र ये कंसेप्ट अलग ही तो नहीं होया ना। तू कोई नहीं, चल सवेरे कराऊंगा। फिर लिखो पुत्र, पता लग गया होगा। हूं आप ही चेक करके देखो इधर। अगर वो थानू कहे कि बॉल और जमीन दे विच कुलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, तो परफेक्टली इलास्टिक कुलिजन ले ई कितना होगा? देखो तो पीछे है इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन लई वन, तो जे ई वन है, अगर ई वन है तो एच वन और एच, मतलब अगर साढ़े को लेके इदा भी बॉल होए जिदा अर्थ दे नाल कोलिजन इलास्टिक होए, तो जे आप उस बॉल नू एच हाइट तो ड्रॉप करांगे तो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन और वापस कितनी हाइट तक आएगी? सेम। सेकंड तो बाद भी मतलब लगातार चलती रहेगी, है ना? पर जेडे प्रैक्टिकली है बॉल और जमीन च केड़ा कोलिजन होंदा, इस करके हाइट जेडी है घटती जाती है ना, घटती जाती है। समझ आई गल? तो वो कितना घट रही है वो दस सकते हैं आप फार्मूला तो। जे दो कोलिजन बाद हाइट दसनी की करोगे? एच ई रेस टू पावर फोर, चार बार दसनी होए एट हो जाना वा। समझ आई गल? तो उधर अकॉर्डिंगली चली जाना। और ई री वैल्यू दिती होएगी 0.2 है कि 0.5 है कि 0.6 है ना, अलग क्या? इलास्टिक की तो वन है, पर इन इलास्टिक की वैल्यू तो 0.1 0.2 0.3 की लिखाया, जीरो तो ज्यादा है ना, एक तो घट है। हुण किन्नी है वो दिती होएगी तुहानू तो। ते वैसे ही जनरल भी आ सकता क्वेश्चन। अच्छा फिर है ठीक, फोर की वैल्यू एट हो जानी ई दी पावर एन पुट करी जाओ ना। केडी एट कितना आ जाएगी? इतने बहुत ई दी पावर टू आ जाना, तो बेस सेम होने का पावर ऐड होंगी है कि मल्टीप्लाई? हाँ 2 + 2 4 है ना उत्तरा, 2 और 2 और मिलके 2 + 2 4 है, तो 4 नू 2 × 2 लिख सकते कि नहीं? हाँ मल्टीप्लाई नहीं किता, आ 2 है ना, अभी 2 है, आ बेस है, बेस की पावर नू ऐड करूंगे 4 आएगा, 4 नू आपा की कर लिया। हाँ इस फॉर्म से ले आना ना, ताकि नहीं, क्लियर है हम? अच्छा फिर देखो सेकेंड न्यूमेरिकल करो। सेकेंड न्यूमेरिकल दी स्टेटमेंट पढ़ो बेटा। की है स्टेटमेंट? आपने आप पढ़ो ना, आराम ना पढ़ो। एक पार्टिकल है मास एन, तो दूसरे का दोनों केड़ा कोलिजन हो रहा? हेड ऑन मीन्स वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन कि नहीं?
तो डायग्राम बना सकते हैं कितना मन दी हिंदी, और तू पढ़ना नहीं है कृष्णा, बना फिर डायग्राम तू। देखो देखो स्टेटमेंट पढ़ो पुत्र, तुझे नर्वस क्यों होने हैं, स्टेटमेंट से लिखा है कुछ कि नहीं, पूरी लाइन पढ़ो फिर मैंने दोस्तों द्वारा। रेस्ट पे जरा वो टारगेट है, तो आ है आ 2M है और आ कौन है M, सो आती है एट और रहा मोशन छुएगा, ये भी वेलोसिटी दिखती है नहीं, तो ये भी आप अपने वालों की मान लेनी U1 और ये भी U2 की है ठीक है, और एक कोलिजन केड़ा इलास्टिक कोलिजन, तो बाहर ये बिफोर कोलिजन है ना, तो आफ्टर कोलिजन की होएगा आफ्टर कोलिजन की होएगा, जितनी वेलोसिटी U1 है वो आफ्टर कोलिजन कितनी हो जाएगी, और जितनी U2 है वो भी है? अच्छा ये V1 नहीं है V2 है, इधर देखिए हम गल सुनो, V1 V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, केड़ा फार्मूला लिखाया सी, वड्डा लिखाया सी ना, और या तो उन्हें याद कर लो करना चाहिए वा, V1 के लिए बराबर थी हाँ वो फार्मूला को भूलना नहीं पुत्र, V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 U1 प्लस 2 M2 U2 ओवर M1 प्लस M, याद नहीं है हमने कोई दर, और इस फार्मूला जिन्हें भी याद हुआ है तो देखो कोई गल नहीं, बढ़िया ऑप्शन दुनिया वा, बस ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा ज्यादा, तो ना करन ना लो, मल्टीपल ऑप्शन है देखो इधर, और ऑप्शन की दुनिया अंदर देखो पुत्र कोलिजन केड़ा वा, ये केड़ी केड़ी चीज कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व है, क्या तुसी मोमेंटम दे अकॉर्डिंगली इक्वेशन लिखा सकते हैं मेनू कि M1 प्लस प्लस 0 है इज इक्वल टू M कटे गए U1 किया गया V1 प्लस नंबर 1, एक इक्वेशन आई यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरी इक्वेशन कितना लिख सकते वो क्यों लिखांगे, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है इस करके, इन इलास्टिक का सहयोग नहीं लिख सकते, आ लिख सकते हैं हूँ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला की बनू इज इक्वल टू M M M हाफ हाफ
ठीक है ना, कॉमन है, तो यू वन स्क्वेयर इज इक्वल टू टू बी टू स्क्वेयर, नंबर टू हो गया है ना। जे तुसी वी वन निकालना वा इन टर्म्स ऑफ यू वन एदी टर्म्स, तां तुसी की करूंगे इथों वी टू दी वैल्यू एरेज पुट करूंगे, यही करना पऊ ना, दो इक्वेशंस है, एलिमिनेशन मेथड है ना, हुन इथे किसी ने नहीं हल करनी थोड़ी, थोनू आप ही करनी पैनी, तो इथों वी टू दी वैल्यू पुट करके उन्हों सॉल्व करूंगे, हुन एडी वड्डी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्यों नहीं, वो तो परफेक्टली इनइलास्टिक थी, याद रखने पड़े ना, इलास्टिक है इनइलास्टिक परफेक्टली सारा कुछ याद रखना है। तो हुण इहदे विच तुसी v2 दी वैल्यू इहदे विच पुट करके की करूंगे, v1 दी वैल्यू निकाल सकते हैं। हुण वो एक लेंथी मतलब जनरल तो हो गया, बट लेंथी बहुत है, तो यहां का है ना, इहदा मतलब ये याद कर लूंगे तो काम करना तो पैना ही है यार, है ना, उसको अल्टरनेटिव नहीं पुत गल मतलब गल समझो। हम देखो प्रैक्टिकली जी गल का एनालिसिस की होंदा वा, है सेकंड ऑप्शन दसी सॉल्व करन दी न्यूमेरिकल, या तो इक्वेजन सॉल्व करके v1 कर सकते हैं, तो या फिर जो फार्मूला आपां याद करके, तो दोनों विचों है। हाँ हुण वो फार्मूला जिहड़ा उहनां कोल की सीगा की सीगा, बोलो द्वारा द्वारा एक बार और बोलो, ठीक है जे ए कोटा लग गया, दूजे लिए कोई औखा काम नहीं, दूजे लिए पता की करना, वन टू नू बस ओदे च नहीं घबराने दी लोड़, ध्रुव गलत नहीं, तू ठीक भी नहीं बोलता। हम देखो उल्टा कर देना, समझ गया। तो हुण देखो न्यूमेरिकल दे विच क्या v1 निकाल सकते हो तुसी, इस न्यूमेरिकल कड्डो फटाफट v1 निकालो, तो आ थोड़ा m1 है ना और आ थोड़ा m2 है, देखो ना v1 कितना आया माइनस u1 बाय आ गया है।
देखो, गल नू समझो, हुण स्टेटमेंट दोबारा पढ़ो, वो तो कटना की है, कैलकुलेट की करना। मतलब की है कि आप शो करना, प्रूव करना कि आ जड़ा पार्टिकल है, एदी कुलिजन तो बाद जड़ी काइनेटिक एनर्जी है वो किन्नी लूज की थी ने? हाँ, वो कितना होगा वो आप प्रूव करेंगे कि एदी कुलिजन तो बाद वाली। स्लाइडिंग कौन होंगे जिधर टक्कर मारने आया, तो हुण स्लाइडिंग पार्टिकल दी काइनेटिक एनर्जी का लॉस कटना ना, इसका मतलब स्लाइडिंग पार्टिकल दी फाइनल काइनेटिक एनर्जी चो स्लाइडिंग दी माइनस कर दियो। हुण इहदी फाइनल किन्नी है? हाफ एम माइनस हाफ एम तो हाफ एम कॉमन आ गया, ठीक है, तो कितनी आ गई? और वी वन की वैल्यू हैगी है ना, यू वन स्क्वेयर बाय 9 माइनस यू वन स्क्वेयर, तो माइनस 8 बाय 9 ब्रैकेट आए ना हाफ एम यू वन स्क्वेयर, यही आया है ना, या एक्चुअली अंदर की आना माइनस 8/9 यू वन स्क्वेयर, तो ए की है उदी इनिशियल एनर्जी, तो उड़ा कितना हिस्सा लॉस होया, प्रूव हो गया। तो हुण एमसीक्यू चे प्रूव नहीं करना ना, उदे च की कहना दसो कितना लॉस होया, तो ऑप्शन खाली होनी है, तो 8/9 है कि 7/8 है कि वो ऑप्शन फिल करांगे आप। कल एग्जाम है तेरा, वो कितने जा आ रहे हैं? हैं? अच्छा, फिर देखो बस, लिखो फोर्थ न्यूमेरिकल, फोर्थ है, थर्ड, थर्ड लिखो, स्टेटमेंट पढ़ो, ए स्फीयर ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी यू हिट अनदर ऑफ सेम मास, तो इतने तक डायग्राम बनाओ, तो देखो की समझ आई थानू, स्फीयर ऑफ मास स्मॉल एंड मूविंग विद वेलोसिटी यू हिट अनदर स्टेशनरी स्फीयर ऑफ सेम मास, इफ स्मॉल ई इज द कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टू स्फीयर आफ्टर द, हाँ हूँ एक्चुअली देखो जब तक मेंशन है ना किया जाए तब तक थोड़े सामने जो कुलिजन है वन डी है, तुम दसिया होया जिथे टू डी होगा उसे लिखेगा ओब्लीक कुलिजन, अदरवाइज वो वन डी है, तो स्ट्रेट लाइन से डायग्राम बनाओ जरा, हम इतने केड़ी केड़ी इक्वेशन लिख सकते हैं, वो तो तुसी केड़ी केड़ी इक्वेशन लिख सकते हैं। लिखो
ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਮਾਸ ਐਮ ਮੂਵਿੰਗ ਵਿਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਯੂ ਹਿਟ ਅਨਦਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਸੇਮ ਮਾਸ। ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਐਮ ਵਨ ਤੇ ਐਮ ਟੂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਲਿਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਸਫੀਅਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਯੂ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਫੋਰ ਕੋਲੀਜਨ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਕੋਲੀਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਯੂ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ। ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਦੋਨਾਂ ਚ, ਕੋਲੀਜਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਿਫੋਰ ਕੋਲੀਜਨ ਹੈ, ਤੋ ਆਫਟਰ ਕੋਲੀਜਨ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਆਫਟਰ ਕੋਲੀਜਨ, ਤੋ ਹੁਣ ਆਫਟਰ ਕੋਲੀਜਨ ਤੇ ਬਿਫੋਰ ਕੋਲੀਜਨ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਲਿਖੋ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਐਮ ਯੂ ਪਲੱਸ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮ ਵੀ ਵਨ ਐਮ 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 ਕੱਟੇ ਗਏ, ਤੋ ਵੀ ਵਨ ਪਲੱਸ ਵੀ ਟੂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ, ਰੀਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਰੀਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਮੀਟਿੰਗ।
हाँ, हाँ, तो बात तो करेंगे।